ऐसा ना हो कि आप आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस का जो पुराना एक्ट है उसको फेंक दें, भूल मत करिएगा, ये फंस जाइएगा। आपको तो दोनों केस लड़ने हैं, नए वाले पुराने वाले छोड़ देंगे सर, पुराने वाले भी लड़ेंगे आप तो ध्यान रखिएगा पुराने वाला लॉ लागू है। हाँ, अब आगे के लिए ये समाप्त हो जाएगा, आगे के लिए ये नया लॉ आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं पुराना लॉ समाप्त हो गया। आप पढ़ लीजिएगा, मुझे भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा, सेक्शन 358 बीएनएस में लिखा है ऐसा, और मेरे पास भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बैर अक्सर दे पाएंगे क्या मुझे वो? देखिए लिखा क्या है, मैं पढ़ के सुना देता हूं, क्योंकि आप सभी लोग जानकार हैं, विद्वान हैं, तो आप मेरी भाषा को समझ पाएंगे। नॉट विद स्टैंडिंग सच रिपील इफ इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑन विच दिस अधिनियम कम्स इन टू फोर्स देयर इज एनी एप्लीकेशन ट्रायल इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग और अपील पेंडिंग देन सच एप्लीकेशन ट्रायल इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग और अपील शैल बी डेल्ट विद under the provisions of Indian Evidence Act 1872 as in force immediately before such commencement as if this adhiniyam had not come into force. Same law is there in BNSS, same law is there in BNS, जिसको हम लोग अभी कह रहे हैं now CRPC एवं IPC क्रमशः।